हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसमें पैटर्न लगा हुआ है। इसमें आप कुछ बार पैटर्न यदि गलत डालेंगे तो टाइमिंग रिमेनिंग शुरू हो जाता है दोस्तों, तो ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। ओप्पो A3S, A5, A5S में ये ट्रिक जो है वर्क करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी में जाना है, और इमरजेंसी में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सीक्रेट ट्रिक है दोस्तों, एक सीक्रेट जो कोड है वो कोड आपको यहाँ पर आपको इंटर करना है। *#3646*#02#, ये कोड है दोस्तों। इस कोड को आपको यहाँ पर डालना है। आगे और एक कोड आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो सर्विस सेंटर का कोड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस ट्रिक से 100% जो है आपका फ़ोन जो अनलॉक होएगा। इसको तो आपको करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉल बटन है, इसको आपको प्रेस करना है। इस तरह से ये ओके लिखा हुआ आएगा, जब प्रेस करेंगे फिर से आपको प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पर ओके लिखा हुआ आएगा, फिर से प्रेस करना है, फिर से ओके लिखा आएगा। जब ये हो जाए दोस्तों, इसको फिर आपको एक नया कोड जो है उसको आपको यहाँ पर डायल करना है। यहाँ पर *#899#, ये कोड को आपको इंटर करना है दोस्तों। यहाँ पे आपका बहुत सारा मेनू ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं आपका मॉडल, CPH नंबर जो है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा कुछ है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सीधे बैक आ जाना है। और बैक आने का यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों मैनुअल टेस्ट, इसमें आपको जाना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टिक है, ठीक है। यहाँ पर हमको जो मेन जो काम है वहाँ पे जाना है, अदर्स वाले ऑप्शन में जाना है दोस्तों। यहाँ पर अदर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको रीड राइट इम्पोर्टेंट लॉक टेस्ट जो है वहाँ पर आपको ओके करना है दोस्तों। फिर से आपको ओके करना है, जब ओके कर लेंगे फिर से आपको यहाँ पे उसको टच करना है, फिर आपको ओके करना है, फिर आपको टच करके फिर से आपको यहाँ पे ओके करना है दोस्तों। जब ओके हो जाए तब आपको यहाँ पर कुछ देर देखना है, और आपको जब ये ओके हो जाए तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर और इससे कुछ काम नहीं है। तो हम लोग को एक स्टेप कुछ स्टेप पीछे आना है और GPS वाले ऑप्शन में जाना है। और GPS वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सर्चिंग जो है वो आ रहा है, लेकिन बिना कुछ लिखे, बिना फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका देख सकते हैं ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो A3S, ये जो ट्रिक है ओप्पो A3S, A5 और A5S तीनों में जो है जो दोस्तों ये ट्रिक वर्क करेगा। यहाँ पे बिना जब नंबर लिखे, आपको नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, आपका लोकेशन बस यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन हो गया, तो आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। यहाँ पर बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से वहाँ पे जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक और है जो आपको यहाँ पर देखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पास लिखा हुआ आ गया है, आपको पास लिखा हुआ हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग फिर पूरा वेक चल जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर आपका मोबाइल को पावर ऑफ करेंगे, इसको पावर ऑफ कर देंगे दोस्तों। पावर ऑफ जब पूरी तरह से हो जाए, पावर ऑफ होने के बाद पावर ऑन अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ हम लोग प्रेस करके रखेंगे। पावर ऑन अप प्लस वॉल्यूम डाउन को दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे। दोनों जब एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर ओप्पो लिखा हुआ है वो आ जाएगा दोस्तों, और आपका अगला स्टेप। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं अगला स्टेप के लिए। अगला स्टेप के लिए दोस्तों यहाँ पर वेट करते हैं। लाइट थोड़ा कम कर दिए हैं ताकि आपको अच्छा से सब दिख सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही उसके बाद आप ऑनलाइन कुछ भी करना चाहेंगे जो पैटर्न है वो खोजेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका यहाँ पर वाइप डाटा का भी ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो देख सकते हैं ऑनलाइन यदि करने चाहते हैं तो हम लोग का कुछ भी तो हमको पैटर्न खोजता है, वाइप डाटा में भी जा रहे हैं दोस्तों तो हम लोग का पैटर्न खोजता है। जो सर्विस सेंटर का जो कोड है दोस्तों वो कोड एक डाल चुके थे, तो सर्विस सेंटर जिस मेथड से होता है, सर्विस सेंटर का जो कोड है वो कोड के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग फिर से फ़ोन को हम लोग रिबूट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोग फ़ोन को फिर से हम लोग रिबूट करते हैं, और रिबूट करने के बाद यहाँ पर जो ट्रिक है दोस्तों उस ट्रिक से हम लोग करेंगे। तो
देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है दोस्तों, लेकिन हम लोग का जो है कोड पैटर्न अभी तक टूटा नहीं है। तो कोड हम लोग जो सर्विस सेंटर का है दोस्तों, उस कोड को हम लोग डायल करेंगे *H9103220191#1#। इसके बाद यहाँ पे ओके लिखा हुआ दोस्तों, ओके कर देंगे। इसको हम लोग तीन बार इस कोड को हम लोग इंटर करेंगे दोस्तों, और आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जो ये कोड है 100% आपका जो है ट्रिक वर्क करेगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग फिर से इसको हम लोग जाते हैं मोबाइल को आपका कोड प्रेस करने के बाद, और हम लोग फिर से मोबाइल को हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीका से हम लोग पावर ऑफ कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, हमको इसको पावर ऑफ कर देना है, मोबाइल को हमको इसको पावर ऑफ कर देना है दोस्तों सिंपल तरीका से। जब पावर ऑफ हो जाए दोस्तों, तो फिर पावर ऑफ हो जाए तब फिर से हम लोग पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को हम लोग एक साथ फिर से प्रेस करेंगे दोस्तों। अगर प्रेस करके रखेंगे पावर ऑन ऑफ बटन को फिर छोड़ सकते हैं, वॉल्यूम डाउन बटन को आपको प्रेस करके रखना है। तो फिर देख सकते हैं दोस्तों, फिर से आपका जो है ओप्पो लिखा हुआ फिर से यहाँ पे आ गया है, और फिर से आपका नेक्स्ट स्टेप जो है कुछ देर में आ जाएगा। तो फिर देख सकते हैं फिर से यहाँ पे आ गया है दोस्तों, और आने के बाद आपका यहाँ पे लैंग्वेज पहले सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपका नीचे यहाँ पे वाइप डाटा का जो ऑप्शन है, वाइप डाटा वाले ऑप्शन में आपको जाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो आपको रिसेट करने का ऑप्शन है वो सक्सेसफुली जो कोड है वो वर्क किया है दोस्तों, और हम लोग इसको आपको आपका यहाँ पर हार्ड रिसेट यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे। जो पैटर्न है भूल गए थे वो आपका अनलॉक हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों 100% जो ट्रिक है आपका वर्क किया, और हम फोन जो है आपका रिसेट हो रहा है। तो घर बैठे बड़ी आसानी से दोस्तों आप अनलॉक कर सकते हैं। देख सकते हैं फ़ोन अनलॉक हो चुका है, ठीक से वर्क भी कर रहा है। थैंक यू।